आप और पितामह दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो अबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु हैं, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही सूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्याशो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ततेते चिरंजीविना। पद्म पुराण में लिखा गया है, अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय जी ये 8 चिरंजीवी हैं। हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहां द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र है। ये बड़े ही सूरवीर है। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और सूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाल्यहिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरी श्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े सूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरी श्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहां इन सूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी सूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है।